चू करो, हमें पाप आता है, छुड़ो भाव। हेलो, बोंदाए पापा, तुम जैसी हालत में बैठे हो वैसी हालत में चले आओ। आग काए पारो काए, कछु परेशानी है गई का? अरे नहीं नहीं, परेशानी कछु ना है गई, तुम्हारी जी औलाद चैन ना ले रही, रोए के रह रहा है सवेरे ते, पापा बिना जाएंगे, पापा संग जाएंगे, तासु कह रही हूँ, जाए जल्दी रुबाए मत बाए, तू फोन काटे, हम आए पहुँचे। काए लला काए, अब का ससुराल जाएगो? जाने पड़ेगो मम्मी, तुम्हें सुनना रही फोन पे, वो का कह रही, तुम्हारा नाती चैन न ले रहा, घर के लाए रोए रहा है। वे तो मालूम हुई, नाती हमारे बिना रही न पाएगो, चल भाई कोई सोनो खबाए, चलो जा चलो जा, लिवा लिया, मुंह मत छोना, लग रहा बाके बिना। चले ससुरार, लुगाई लिवाई बे, सुनो मेरे यार, बीबी लिवाई बे। जल्दी जल्दी चले बसंती, का पेट्रोल नाइनी तो में, कहते ही सर्विस ड्यू गए, भाजा भाज चले, 5 मिनट में ससुरार पहुंचा मोए। अगर ऐसी हम जानते, तुम इतने दिन मामे यहाँ रुकोगी, तो हम हरगिज तुम्हारे संग न आते, अपने पापई के डिगा रह जाते। ऐसी गुस्सा आ रही है, टांग पकड़ के दीवार से मार दो, जंग मारे, अब तो पे एक एक मिनट मारी पड़ रही है, कब तो नाम लेने फोन ते बाप को, आ रहा होएगो बयान, लदो चलो जाइए घरे। मम्मी तुम दीवार से मारो चाहे डट्टी से मारो, मोए एक एक मिनट एक एक दिन मालूम पड़ रहा है, पापा जाने कितनी देर में आ पाएंगे। लली पारो जी, देवतो काय को रोए रहा है? मम्मी वो काय को ना रोए रहा, बस मार चाह रहा है, अगर मैं ज्यादा दिमाग खिसको तो बयान पीट देऊंगी बाय, तो ये हालत चुप हो जाएगा। ए नहीं नहीं लली, पीटिए मत बाय, बच्चा है भोंदू, मैं देवते काय को रोए रहे हो, ले रुपया ले जाओ, दुकान पे चले जाओ। नानी हम पे घर जाबे को रोए रहे, तुम्हारे घर मोए अच्छो ना लग रहा। अरे मैं चांद को टुकड़ा, घर जाएगो तो रोए काय को रहा है, चुप है कि कह दे तो, हूँ तो छुड़वा देऊंगी कल साल, एक दो दिन और खेल ले। ए मम्मी तुम कल साल की कह रही हो, जिस सवेरे से रोए रहा है, चुप ही ना भाव कते, मैंने जाके बाप को फोन कर दा, बे बयान आ रहे होंगे, लिवा ले जाएंगे। अरे लली तो तेने जाके पापा काय को फोन करो, मोजू तो काटी कम से कम है, हूँ काऊ मोड़ा भाई के न्योरे करके छुड़वा देती, बे तो बयान आ जाएंगे ले मोटर साइकिल, यहाँ हम पे कोई लो नहीं, का नाश्ता पानी करा देऊंगी बिने। मम्मी तुम्हारी आदत इतनी खराब हुए, जाको मुँह पे कोई जवाब नहीं, ऐसे कह रही हूँ जैसे बे आती फाती होए, न जाने कितना खाएंगे आए के, तुम पे 10-5 रुपया ही नमकीन न जुड़ेगी तो वही दे दूंगी, मरी मत जाओ। नहीं तुम यही रुकी लो, सुन रही हूँ नानी की बोली, ये तुम्हारे नीचे का खर्च कर देंगी, एक एक रुपया को दुबा के रहेंगे। नहीं ऐसी बात नहीं, नहीं हूँ खर्च को डरपती हूँ, आ जान दो दमाद को, बिने रखा लेंगी महीना खाओ तवाई भेजूंगी। भोंदू लला हम आए गए। ओ मैं पापा आए गए डुकरिया।
हटियांगे पे हम गोदी में बैठेंगे। अरे मैं लड़े तो पूत बछड़ा ऐसे मौसम चुपकगा जैसे चमगादड़ चुपक जातो है बेटा। पापा तुम कते ही रुकियो मसीनिया, हमने तुम्हारे लिए फोन करवाए दो तब ते डुकरिया काय कले सु डारे पतो है का कह रही लली घरे कछु है नाई ने तेने काय को फोन करदा बे तो ब्याह आई टपकेंगे ऐसे ऐसे कह रही जी। ए नाई नाई ऐसी कछु बात नाई ने जी झूठी कह रहा है भोंदे पापा तुम बैठो। तू चुप रहे बिल्कुल, तेरी अम्मा को घर है तासु तू ऐसे बजाए रही है हमका जानता नहीं नी जे डुकरिया कैसे मिसाल की है। मेरा बोंदा बिल्कुल सही कह रहा है, अपने लड़का बाइने को लिवाइबे आए तो जाए जे दिखते है केन्या खाइबे आए गए ते हम लीलीबे न आए मत मरी जा। ए लला दमाद मैंने कछु न कही, तुम काय को नाराज है रे जैसे हमारे दो लड़का बे तैसे तीसरे तुम चाचे दिना रुको मोए का परेशानी है हूँ रोके ना पाऊंगी तुम्हें हमारे घर में का नाई ने। तुम्हारे घर में से कछु है लेकिन तुम्हें करे जा नाई ने तुम्हें जी लगते है के रिश्तेदार चार दिना रुक गा तो सिगो घर खाए जाएगा ऐसे हम नाई ने काऊ के ना डरे ना फिरता। ए ए का तुम्हारे दिमाग को सटे आएगा है काय को लड़ रहे हो हमारी मम्मी सु कछु चाहिए तू है बिना पे। अरे हम काऊ सोना लड़ रहे मत मरी जा और तू चलेगी के ऐसे ही बैठी रहेगी अकेले बोंदा को लेवाई जाए। हो ना चल रही अब कम से कम 8-10 दिन और रहूंगी तब आऊंगी। हाँ ठीक है 8-10 दिन नहीं 18-20 दिन रहे तू अब हम लेवाई बे और ना आएंगे। अगर तेरे खूब मन होए तो किराए से चली आइए और ना मन होए तो यहीं पे पड़ी रहिए हम तो जे चले अपने बोंदा लेके।